तो अगर तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे, यू नो गाइस हाउ मच आई लव इंडियन टेलीविजन सीरियल्स। लाइक मैंने मेंशन किया है, ये है मोहब्बतें और पोकेमोन एनी टाइम, बट तुम लोगों को लगा मैं जोक कर रहा हूँ। सो फनी, इट एंड फनी डूड, मुझे सीरियसली पसंद है इंडियन टेलीविजन शोज। हाँ, होते हैं सबके गिल्टी प्लेजर्स। और अगर आप सोच रहे हो ना कि इस वीडियो में मैं 5000 भी बार गोपी बहू को लैपटॉप सुखाते हुए दिखाऊंगा, देन जस्ट गेट द फक आउट ऑफ इट, ठीक है? ट्रिगर्ड इंसान के पास जाओ, यहाँ नहीं होता है वो। तो देखो, मेरा और सीरियल्स का रिश्ता बहुत पुराना है। आई मीन, मैं जब पैदा हुआ था ना, उसके एक हफ्ते बाद द लेजेंडरी शो क्यों की सास भी कभी बहुत ही रिलीज हुआ था। सो इट मेक्स सेंस कि मुझे सीरियल्स क्यों पसंद है। तो मैंने आज तक बहुत सारे सीरियल्स देखे, लाइक ये है मोहब्बत है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथ निभाना साथिया, प्रतिज्ञा, दहलीज कबूल है, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। या सो आई एम द परफेक्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। सो टाइटल से पता चल चुका होगा, या तुम्हें पता चल चुका है ऑलरेडी। नाइस। सो मैं पहले ही बता दूं, आई सीरियसली हेट दोस पीपल जिन्होंने कभी सीरियल नहीं देखे एंड आर लाइक इंडियन सीरियल्स आर सो बैड यार, जस्ट शट द फक अप एंड बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द रोस्टर्स ने सीरियल्स तक नहीं देखे होंगे, बट बैंड वैगन में सवार होकर वीडियो जरूर बनाएंगे। बट खैर, दिस इज नॉट माई पॉइंट। तो देखो, देर आर गुड सीरियल्स आउट देर एंड बैड सीरियल्स आउट देर। इस वीडियो में मैं कुछ रिकमेंडेशंस नहीं करने वाला, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर सम पॉइंट्स एंड माई गिल्टी प्लेजर्स। तो बैड सीरियल से मेरा मतलब है ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि पिछले 11 सालों से चल रहा है एंड हैज ओवर 3000 एपिसोड्स। बेसिकली इनकी स्टोरी थी कि अक्षरा और नैतिक की अरेंज मैरिज होती है, फिर इनका एक बेटा होता है, फिर इनकी एक बेटी होती है, बट उससे पहले अक्षरा कुछ कांड कर देती है, लाइक दद्दाजी का मौत का इल्जाम इस पे लग जाता है, फिर ये लोग साउथ अफ्रीका को शिफ्ट हो जाते हैं, फिर 10 साल बाद इनके बच्चे में चूल मचते कि इन्हें इंडिया वापस जाना है। जब ये इंडिया वापस आते हैं तब उनकी बेटी गुम हो जाती है, फिर वापस 5-6 साल बाद उनकी बेटी गंगा के किनारे मिल जाती है, पर उसकी मम्मी मर जाती है, एंड राइट नाउ उसकी बेटी की एक बेटी है, और ये शो कौन से यूनिवर्स के टाइम जोन में चल रहा है किसी को कोई आइडिया नहीं है। भेंडी, इतना नॉलेज क्यों है मेरे को? फक मी बिच शिट, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी क्या मेरे को? लाइक ऐसे सीरियल्स डेफिनेटली बहुत बेकार और बकवास होते हैं, आई गेट इट, बट देर आर गुड शोज आउट देर टू, जैसे शक्ति अस्तित्व के एहसास की, मतलब आई वुड लव टू वॉच अ किन्नर फॉल इन लव विद अ मैन, कम ऑन, किसे पसंद नहीं आएगा? आई वुड लव टू वॉच दैट, बट 10 एपिसोड्स, 30 एपिसोड्स, 50 मैक्सिमम, बट 1000, सीरियसली? आई मीन, इतने अच्छे स्टोरी को कोई कैसे बिगाड़ सकता है यार। आई नो मेनी ऑफ यू नो दैट इंडियन टेलीविजन शोज का मेन प्रॉब्लम क्वांटिटी और पैसा है, मतलब यूट्यूबर्स अब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो ये तो सीरियल वाले हैं, और इन्हें अपना टाइम स्लॉट नहीं गवाना तो ये कुछ भी फिलर दिखा देते हैं। मेनी पीपल आर लाइक इनकी स्टोरी ही बकवास होती है, बट दैट्स नॉट ट्रू, इनकी स्टार्ट वाली स्टोरी बहुत सही होती है, बट जब इन्हें हाइप मिलती है तो ये कुछ भी दिखा देते हैं। दैट्स द रियल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन टेलीविजन, दे बिलीव इन क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी, बिकॉज आंटियों को वही पसंद आता है आई गेस, and I believe they don't even give a about this. और इसका prime example है नागिन। तो I know it is cool to hate नागिन, because नागिन कैसे कोई बन सकता है? हाँ, Stranger Things में mind flayer और demogorgon किसी के अंदर भी घुस सकते हैं, but यहाँ नागिन कैसे कोई बन सकता है? आई मीन, जिन्होंने ये सीरियल देखा भी नहीं है वो भी बैंड वैगन में सवार हो जाते हैं। तो देखो, मैंने इसका सीजन 1 देखा था, एंड आई एम नॉट गोना लाई, इट वॉज रियली गुड, मतलब कुछ डिफरेंट था। और VFX की बात रही तो इंडियन टेलीविजन में ऐसा कुछ VFX यूज नहीं किया गया था पहले आई गेस, एंड आई नो मेनी पीपल क्रिटिसाइज इट्स VFX, बट स्टिल आई थिंक इट वॉज गुड। सो इट वॉज रिवोल्यूशनरी, बट डिमांड के कारण ये सीरीज भी बेकार होते चली गई। आई मीन, जैसे ही डिमांड बढ़ी, सीजन 2, सीजन 3 और अभी तो सीजन 4 भी आ गया है। खैर, अब आते हैं सबके फेवरेट सिटकॉम पे। चाहे तुम कितना भी ट्रोल करो या फिर मीम्स बना लो, बट तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज द बेस्ट सिटकॉम इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, एंड दिस शो आल्सो गॉट रुइन्ड बिकॉज ऑफ क्वांटिटी। तो लेटेस्ट में मैंने बहुत ऑब्जर्व किया बिफोर लॉकडाउन कि ये शो बिल्कुल भी फनी नहीं रहा। आई मीन, मैं एक बार भी नहीं हंसा ये शो देख के। दिस शो वॉज सो गुड टिल 2014-2015, बट अब इट इज जस्ट बैड ब्रो। एंड आई नो सिटकॉम में लॉजिक ढूंढना इज इक्वल टू द रोस्टिंग में कॉमेडी ढूंढना, बट बिलीव मी, ये शो 7-8 साल चलेगा। भेंडी, वो पोपटलाल की शादी बाकी है, इनके बच्चे होने बाकी है, और लास्ट वैलेंटाइन पे तो टप्पू और सोनू की शादी टीज कर दी। आई मीन, व्हाट द फक मैन। बट माय मेन पॉइंट ऑफ द होल वीडियो इज इवोल्यूशन। तो देखो, लास्ट ईयर रिलीज हुआ था द ऑफिस हिंदी, विच वॉज अ रिप ऑफ ऑफ द ऑफिस US, एंड पीपल वर स्ट्रेट अप हेटिंग ऑन इट। लाइक आई गेट इट व्हाई पीपल वर हेटिंग ऑन इट, बिकॉज उस शो की स्क्रिप्ट लिटरली ऐसी लग रही थी जैसे इंग्लिश टू हिंदी गूगल ट्रांसलेट किया हो। मैं अब जरा टीवी शोज और वेब सीरीज को मिक्स करने वाला हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू प्रूव अ पॉइंट। तो देखो, कॉपी टिल यू मेक इट इज अ गुड थिंग फॉर इंडियन सीरियल्स राइट नाउ। आई नो इट इज फेक इट टिल यू मेक इट, बट कॉपी टिल यू मेक इट यहाँ ज्यादा सूट होता है। अब इससे मेरा ये मतलब है कि तुम कॉपी करो तब तक जब तक ऑडियंस का माइंड सेट चेंज ना हो। आई मीन, कॉपिंग इज नॉट ऑलवेज
bad, to be honest. I know मैं जरा hypocrite sound कर रहा हूँगा cause of my past videos, but copy/inspiration के कारण भी बहुत evolution आ सकता है. Like Carrie को देख लो, बस Clorox को, Harpic और American brands को पतंजलि से replace करके कहाँ पहुँच गया. Prash grade A under के Ditto videos copy करता था. Bhuvan Bam के start के characters FIR से inspired हुआ करते थे. And Mango Boy, Andre Turbo की copy करके कहाँ पहुँच. Fuck. I know मैं जरा दूसरे इकोसिस्टम में चला गया, but I just wanted to say कि copying is all right. मतलब अगर तुम किसी तारक मेहता के फैन को कोई डार्क कॉमेडी दिखाओगे, he's gonna be like, what the fuck, dude, मैं ऑफेंड हो गया. So it's all right कि तुम जरा लाइट डार्क ह्यूमर से चालू करो, like the office, and it can really evolve their humor. मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कोई ह्यूमर सुपीरियर या फिर इन्फीरियर होता है, सबका अपना चॉइस होता है, ठीक है. बट इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू गेट इन टू डार्क ह्यूमर, दिस इज द बेस्ट शो फॉर देम विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर, राइट. अब मैंने जो इवोल्यूशन का पॉइंट बताया है, लेट मी प्रूव दिस पॉइंट टू. तो देखो, देयर वाज अ शो नेम्ड पहरेदार पिया की. उसमें बेसिकली एक 9 साल के लड़के की शादी 18 साल के लड़की के साथ होती है. इंस्टेंट क्रिंज, राइट. मोस्ट ऑफ यू माइट रिमेंबर दिस शो बिकॉज ये कॉन्ट्रोवर्शियल शो था और बैन हो चुका था. सो आई नो जो दिखाया गया था वो इलीगल था एंड ऑल, बट मैंने कोरा का एक आर्टिकल पढ़ा. अब आगे जो मैं बोलने वाला हूँ उससे लोग मुझे जज करेंगे, आई नो, बट मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स पूरा नहीं देखा एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट इट. फॉर फक से यार, बख्श दो. तो उस आर्टिकल में बेसिकली लिखा था जो पहरेदार पिया की में दिखाया है अबाउट मैरिज, वो सेम जीओटी में भी दिखाया गया था. एंड आई नो मेनी पीपल विल बी लाइक, भाई वो एंशियंट है, बट इन रियल लाइफ जिसकी मैरिज दिखाई गई थी उनकी एज एट द टाइम 16 एंड 33 इयर्स थी रिस्पेक्टिवली, एंड दे इवन किस्ड एंड एवरीबॉडी वाज ऑल राइट विद इट. सो माय पॉइंट इज, अगर तुम ये एक्सेप्ट कर सकते हो तो तुम्हें वो भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे वो बस एक शो है, इट्स नॉट रियलिटी. अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लीगल है या नहीं, बट बैनिंग अ शो इज नॉट अ गुड आइडिया, टू बी ऑनेस्ट. बैनिंग इज लाइक तुम कंसेप्ट या आइडिया को दबा रहे हो किसी की. सो आई गेस इवोल्यूशन का पॉइंट मैंने यहाँ प्रूव कर दिया. लाइक मैं कितना बड़ा चूतिया हूँ यार, मैं खुद बोलता और खुद प्रूव करता है. फक मी यार, टोटल रिटार्ड. एट द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट सपोर्ट इंडियन सीरियल्स जो कि इवोल्यूशन ला सकते हैं, चाहे वो रिप ऑफ ही क्यों ना हो. सो या, लेट्स एंड इट हियर. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई एम श्योर दिस वॉज प्रीटी डिफरेंट वीडियो फॉर यू. जरा अलग पर्सपेक्टिव था मेरा इंडियन सीरियल्स पे. एंड या, लाइक कर देना, डू कमेंट योर थॉट्स. I would love to know your opinions on this and share on Instagram stories because it really helps me mentally, because फिर मुझे नींद की गोलियां लेनी नहीं पड़ती सोने के लिए. I am just kidding. और हाँ, मैंने जो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि स्टोरी बताई थी वो याद कर लेना, बिकॉज अगले 10 सालों में वो UPSC में आ जाएगा. एंड थैंक मी लेटर फॉर दैट. खैर, टाटा, बाय बाय, टेक केयर.